हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक की बात करने जा रहे हैं वह बेहद ही खास टॉपिक है। वो फास्ट बॉलर्स के लिए है, क्योंकि ये टॉपिक जो है वो बाउंस पे है। बाउंस का टॉपिक आप पूरा देखिए, लास्ट तक देखिए वीडियो को, क्योंकि बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है और आपको ये ज़रूरी है। फास्ट बॉलर के लिए ज़रूरी भी है बाउंस। चलो अब चलते हैं, पहले बाउंस के बारे में जान लेते हैं। बाउंस बॉल होती क्या है? बाउंस दो प्रकार की बॉल होती है, इसको दो प्रकार से फेंका जाता है। एक तो बैट्समैन को परेशान करने के उद्देश्य से, और एक फेंका जाता है उसको घायल करने के उद्देश्य से। अर्थात उसको इस प्रकार फेंका जाता है कि वो उसकी बॉडी लाइन में जाए और वो कहीं ना कहीं घायल होए। परेशान करने के लिए बाउंस का उपयोग किया जाता है, कभी कभी आउट करने के लिए भी बाउंस का उपयोग किया जाता है। तो ये बॉल आपके लिए बेहद ज़रूरी है कि आप इसको सीखें, क्योंकि इससे आप बड़े से बड़े बैट्समैन को क्रीज पे खड़ा है बाउंस डाल के डरा सकते हो। तो बाउंस आपके लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए इस बॉल को आप सीखे और ध्यान से इसके बारे में सुने जो मैं बता रहा हूँ, उस टिप्स को फॉलो करें और आप भी एक अच्छा बाउंस डालने लग जाओगे। अब बाउंस के बारे में बताओ तो बाउंस शॉर्ट पिच पे भी डाली जाती है, कभी कभी इसको लॉन्ग गुड लेंथ में भी इसको डाल दिया जाता है कभी कभी, लेकिन ये ज़्यादातर शॉर्ट पिच पे डाली जाती है, क्योंकि बेहतर रहता है यहाँ से बाउंस अच्छा होने का। और आप जब भी बाउंस डालें तो ज़्यादा उसको ज़्यादा आवेश में आकर न डालें, उसको आपने पहले माइंड सेट करना है कि हाँ इस प्रकार से डालना है, उसके बाद डालें। तो मैं बता रहा हूँ, अब मैं कुछ टिप्स बताऊँगा कि आप बाउंस को कैसे डाल सकते हैं, तो इसको ध्यान से सुनिए। आपको क्या करना है बाउंस डालने के लिए, इस प्रकार से बॉल जो होती है आपकी लेदर की बॉल होगी, इस प्रकार से आप उसको ग्रिप पकड़ेंगे। ये टेनिस है, टेनिस से भी होता है बाउंस, तो इस प्रकार से आप ग्रिप पकड़ेंगे और जब आप रनअप लेंगे, रनअप आपको रनअप ऐसा लगना है कि रनअप में जब आप आते हो तो जिधर से बॉल गई उधर आपको थोड़ा उखड़ना है, क्योंकि एक्स्ट्रा हाइट मिलनी चाहिए बॉल को। जितनी एक्स्ट्रा हाइट मिलेगी उतना अच्छा बाउंस होगा। तो इसलिए कभी भी जब भी आप रनअप लेके आते हो तो थोड़ा सा उखड़ ले जब बॉल रिलीज करते हैं, और बॉल को आप हो सके तो अपनी इस प्रकार से जो होता है इस प्रकार से डालने की कोशिश करें, क्योंकि इससे एक अच्छा रिप्लेसमेंट मिलता है इस बॉल को। तो जब भी आप बाउंस डालने जाए, अच्छा पहले रनअप ले और उधर जिधर से आप बॉल रिलीज करते हो मतलब आपका जो फुट लैंडिंग पॉइंट होता है उधर से आपने क्या करना है कि थोड़ा सा उसको रनअप में उखड़ के बॉल को इस प्रकार नीचे पटकाना है इस प्रकार, और उसको शॉर्ट पिच पे भी डाल सकते हो, कभी थोड़े आगे भी डाल सकते हो जिससे बैट्समैन की बॉडी की तरफ जाए। ज़्यादातर आपको बॉडी की तरफ ही डालनी है उसको, और ये ध्यान रहे कि कंधे से ऊपर बाउंस ना हो। अभी मैं आपको कुछ बाउंस बॉल डाल के दिखाता हूँ, जिससे आपको पता चले कि किस प्रकार से रनअप लेना है और किस प्रकार से बॉल को रिलीज करना है। तो मैं आप भी मेरी फुट लैंडिंग देखिए, किस प्रकार से मैं कर रहा हूँ उसी प्रकार आप करने की कोशिश कीजिए। दोस्तों, आपको बाउंस वाला टॉपिक कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपने इससे कुछ सीखा तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।